छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पत्रकार वार्ता लेकर कहा कि कांग्रेस के जींस में अंग्रेज है, जिसने बांटो और राज करो की नीति हमेशा अपनाई है। अब राहुल गांधी के सलाहकार ब्रिटेन के सैम पित्रोदा ने देश के लोगों को रंग के आधार पर बाहर से आया हुआ बता दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की संस्कृति और विरासत को बचाने की बात करते हैं और कांग्रेस विरासत को समाप्त करने की बात कर रही है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने हमारे आराध्य भगवान श्री राम का अपमान किया है। 500 साल के संघर्ष और बलिदान के बाद जब 22 फरवरी को अयोध्या में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई तो कांग्रेस की सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं ने इसका बहिष्कार किया था। पत्रकार वार्ता में आप सभी का स्वागत है। सेम सेम एक शब्द है जिसमें भाषाई न्यूनता इस राजनीति में कांग्रेस की संस्कृति बनती जा रही है और इस विषय पर पत्रकार वार्ता लेने के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी उपस्थित हैं। साथ में हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता श्री दीपक मस्ने जी, श्री नलिनेश ठोकने जी, हमारे एनजीओ प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री सुरेश पाटने जी और ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री और फाइनलिस्ट श्री सुनील जी भी हमारे सामने उपस्थित हैं। मैं माननीय विजय शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि पत्रकार वार्ता प्रारंभ करें। मैं सोचता हूं कि ये मसला आप सबके मन में बहुत स्पष्ट होगा, जिसके लिए आज हम सब एक साथ मिले हैं। भाजपा के और मैं सोचता हूं कि भारतीय जनमानस की पीड़ा है जो आप सबके सामने रखने की आवश्यकता है। वो सैम होंगे, मैं अब शेम कहता हूं, वो शेम पित्रोदा है और मैं उनके लिए शेम शेम ही कह सकता हूं। चमड़ी के आधार पर भारतीयों को आज गाली दी है उन्होंने और इस तरह से अनेक घटनाएं हैं जिससे पूरी कांग्रेस जुड़ती है, जिससे वो भी जुड़ते हैं। कांग्रेस के किसी हिडन एजेंडे को ही आगे लाने के लिए उनको बोलना होता है, टेस्टिंग करते हैं शायद कि क्या प्रतिक्रिया आ रही है। इसी तरह से आज जो विषय जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, आप सोचें आज के युग में इन्होंने फिर से वो बात याद दिला दी जब हमारे मुखिया, हमारे नेता महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में सिर्फ इसलिए नीचे उतार दिया गया था क्योंकि उनकी चमड़ी का रंग अलग था। अभी सब भारतीय हैं, ये बात समझना पड़ेगा। अभी हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो 2047 के भारत की कल्पना कर रही है। हम इस कल्पना में है कि आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे समूचे देश को ले जा करके विश्व के मानचित्र पर सबसे ऊपर बिठाया जाए, कैसे सशक्त भारत बनकर सामने आए। और एक तरफ ये हैं जो अब भी वही नस्लीय भेद के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं, कहते हैं कि पूरब के लोग ऐसे हैं, पश्चिम के लोग ऐसे हैं, दक्षिण के लोग ऐसे हैं, उत्तर के लोग ऐसे हैं। ये नहीं दिखता इनको कि उत्तरम यत समुद्र शित हिमादृष्टय दक्षिणम, और उत्तर से दक्षिण तक भारत एक है और हम सब भारत की संतति हैं, ये उनको नहीं दिखता है। मैं आज भी और आप सबके सामने भी और सबसे इस बात को कहना चाहता हूं, उत्तर पूर्व से भारत जुड़ा हुआ कितना है, महाभारत काल में भी वर्णन उस क्षेत्र का है हमारे पास। और हर विषय पर भाई, मतलब आज के युग में इस तरह की बात करना और उसके लिए किसी बात का तर्क देना, मैं सोचता हूं कि वह भी बेमानी है, किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने जो कहा है उनको माफी मांगना चाहिए। जो अभी स्वांग चल रहा है इस्तीफा देने का, निष्कासन का, निलंबन का, आजीवन निष्कासन कर सकती है भारत कांग्रेस अगर उनका तो बोले कांग्रेस, आजीवन निष्कासन। इससे कम में मैं सोचता नहीं हूं कि भारत का जनमानस कहीं मानने वाला है। मैं नहीं सोचता हूं कि भारत का जनमानस कहीं संतुष्ट होने वाला है, कहीं माफ करने वाला है कांग्रेस को भी। चाहे कांग्रेस की अपनी बात हो तो नेहरू जी ने कहा था कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं, ये हम सबके बीच बहुत स्पष्ट है मामला। अभी एक्सीडेंटल हिंदू क्या होता है भाई, लेकिन उन्होंने कहा था, उनको हिंदू होना पसंद नहीं था, उनको अन्य कुछ होना पसंद था। ऐसे ही राम मंदिर का मसला आया था तो राम मंदिर के मसले पर भी ऐसी बातें हुई थी, काल्पनिक है भगवान राम, यह भी कहा गया था। भगवान राम के विषय पर
राम मंदिर के विषय पर जाने के बाद इन्हीं सेम पित्रोदा ने ये कहा था कि राम मंदिर और रामनवमी इन बातों से सरोकार नहीं है मेरा और ये मुझे पीड़ा देती है, मुझे परेशान करती है। इनका ही कहना था। मैं आपके सामने उदाहरण पूर्वक कहना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति है, उसको आप बड़ा बंगला दे दें, बड़ी गाड़ी दे दें, पहनने को अच्छे कपड़े दे दें, खाने को अच्छा भोजन दे दें और हर महीने 1-2 लाख रुपया दें और कहें कि चौराहे पर तुमको 2 जूते मारेंगे सुबह से, बाकी तुम जियो अपने जीवन, कोई स्वीकार करेगा जी? रोटी कपड़ा और मकान, यही जीवन नहीं हो जाता है भाई? हम इंसान हैं, स्वाभिमान भी जीवन होता है, हम इंसान हैं, विचार भी जीवन होते हैं, हम इंसान हैं, हमको परस्पर सहयोग जीवन में करना होता है। इसी तरह से मैं कहता हूं कि भारत के संदर्भ में बाबर ने आकर के हमारे आराध्य भगवान राम के मंदिर को तोड़ा था और जब वो मंदिर तोड़कर यहां पर तोड़ा था, उसके बाद गांव गांव गली गली भगवान के पूजा और रामायण हुआ करते थे, परंतु भगवान का उचित स्थान उनको मिला नहीं। हम भगवान का क्या माने, हमारी भावनाओं को उचित स्थान नहीं मिला था। और भगवान का मंदिर बनने से मेरा स्वाभिमान तुष्ट हुआ है, मेरे भावनाओं को उचित स्थान मिला है। मैं भारत का हूं, मैं कहां जाऊंगा दुनिया में? मैंने इंग्लैंड या कहीं और बना मंदिर बनाने की बात नहीं की। तो इस तरह भगवान की भी आलोचना करने वाले ये शेम पित्रोदा, इन्होंने फिर से एक बार कहा है, जैसे नस्ल भेद के बारे में बात की है, निंदनीय है, मैं उसको रिपीट भी नहीं करना चाहता हूं। इन्होंने जिस तरीके से अमेरिका के तर्ज पर भारत में भी स्त्री धन पर आक्रमण करने की बात कही है, या उसका विरासत टैक्स उसकी बात कही है, भारत में एक जीवन नहीं जीता है आदमी, भारत में कई जीवन तक बातें होती। आप मेरे बच्चे, आपके बच्चे भी आपको याद करके पितृपक्ष में कार्यक्रम किया करते हैं, हम भी करते हैं अपने पिता और अन्य लोगों को याद कर। भारत में जीवन एक बार का जानवरों की तरह नहीं होता है, भारत में जीवन कई पीढ़ियों का होता है। तो उस तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है इनको कि किसी ने मेहनत करके पैसा कमाया है तो उसको लेकर के उनको दे दिया जाए जिनके बच्चे ज्यादा हों, ऐसे विषय नहीं रखने चाहिए। विषय ये होना चाहिए कि भारत किस तरीके से एक साथ मिलकर के आगे बढ़ सके, ये स्पष्टता के साथ बात होनी चाहिए। मैं आप सबके माध्यम से ये जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में हर जगह नफरत का सामान बिक रहा है। एक्चुअली ये मोहब्बत की दुकान नहीं है, ये नफरत का सामान ये लोग बेच रहे हैं। दक्षिण भारत में भी को भी अलग देश बनाने के लिए जिस व्यक्ति ने कहा, उसको कांग्रेस ने टिकट दे रखा है लोकसभा का। JNU में भारत विरोधी नारे लगाए जाते हैं, वो लोग भी जाकर के कांग्रेस में शरण पाते हैं। हेमंत करकरे जैसे शहीद, उनके बारे में भी शेम पित्रोदा ने कहा कि वो उनकी गोली से नहीं मरा, प्रसाद की गोली से नहीं मरा, ये इन्होंने कहा। याद करने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि एक व्यक्ति ने जीवन में क्या क्या कहा। जब उन सारी बातों को लेकर के आप चर्चा करेंगे तो बातों में स्पष्टता आती है। हमारे सैनिकों के द्वारा किया गया सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, इस पर भी प्रश्न लगाया गया था राहुल गांधी और सभी के द्वारा, जबकि इमरान खान का वीडियो मेरे फेसबुक पोस्ट पर अब भी है भाई। इमरान खान का वीडियो था जिसमें उसने कहा था कि वो कितना खतरनाक हमला था, वैसा हमला फिर हो सकता है, ऐसा वो पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों के साथ बैठकर मीटिंग में कह रहा है। अभी इमरान खान तो मान रहा है लेकिन ये नहीं मान रहे, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि कांकेर में हुए 29 नक्सलियों के ढेर हो जाने के बाद, उस ऑपरेशन के बाद भूपेश बघेल जी ने कहा कि फर्जी है एनकाउंटर, जबकि 18 अप्रैल को नक्सलियों ने ही 29 लोगों की सूची पूरी जारी करके यह कहा कि हमारे इतने लोग शहीद हुए। ये बिल्कुल वैसे ही है, आप देखेंगे तारतम्य पूरा मिला हुआ दिखेगा यहां से लेकर के शेम पित्रो